हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एमयू थ्री फेज लोको को एनर्जाइज करने का सही प्रोसीजर मालूम करेंगे कि इसका सही प्रोसीजर क्या है। हमारे YouTube चैनल कुशवाहा जी रेलवे को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम करुणिया श्री को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे रेलवे फैमिली मेंबरशिप को ज्वाइन करके इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। यदि आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करें और हमें सपोर्ट करें। तो आइए बिना देरी किए हुए थ्री फेज एमयू लोको एनर्जाइज प्रोसीजर मालूम करते हैं। फर्स्ट लोको में जाने के पूर्व उसका सिक्योरिंग चेक करेंगे कि लोको पूर्ण रूप से सिक्योर हुआ है या नहीं, क्योंकि सिक्योरिंग ऑलरेडी हुआ रहता है लेकिन फिर भी सुनिश्चित करना है, क्योंकि अगर बाय द वे स्किड या वुडन वेज हट गया या कोई हटा ही दिया तो जैसे हम डीजे क्लोज करेंगे वाइब्रेशन से लोको मूव हो सकता है। इसलिए लोको सिक्योरिंग चेक कीजिए। उसके बाद लोको में पीछे वाले लोको में जाएंगे और एज पर प्रोसीजर उसको एनर्जाइज करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट हम गो टू स्लैब लोको यानी कि ट्रेलिंग लोको में जाएंगे। ट्रेलिंग लोको में जा कर के हम फर्स्ट स्लैब लोको यानी कि ट्रेलिंग लोको में जाने पर फर्स्ट हम 110 एंड 112.1 MCB जो है SB2 पैनल में उसको हम ऑन करेंगे। इसके बाद हम E70 ब्रेक सिस्टम होगा तो दोनों कैब में SA9 रिलीज कंडीशन में होना चाहिए और A9 न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, ये हमें सुनिश्चित करेंगे। यदि नहीं है तो उसे इसका पोजीशन सेट करेंगे। यदि वहीं CCB 2.0 ब्रेक सिस्टम होगा तो उसमें SA9 रिलीज कंडीशन में होना सुनिश्चित करेंगे। A9 हैंडल को फुल सर्विस में होना सुनिश्चित करेंगे। यदि नहीं है तो उसे ऐसा सेट करेंगे और मोड स्विच को ट्रेल कंडीशन में करेंगे। इसके बाद हम न्यूमेटिक पैनल में जाएंगे और 136 कॉक को क्लोज करेंगे और 70 और 74 कॉक ओपन कंडीशन में होना सुनिश्चित करेंगे। यदि नॉन ब्रेक सिस्टम होगा तो उसमें 70 कॉक नहीं होगा तो उसे बंद करने की या ओपन होने की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना कुछ करने के बाद हम BL की को इंसर्ट करेंगे ऑफ कंडीशन में और उसे मूव करेंगे D यानी कि ड्राइविंग मोड पोजीशन में, जिससे कि कुछ समय लगेगा, सेल्फ टेस्टिंग चलेगी लगभग 20 सेकंड तक। उसके बाद सभी लाइट एंड गेज में लाइट आएगा और गेज एक बार अप एंड डाउन होगा यानी कि C ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम सिमुलेशन मोड सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि 504 नोड आया या नहीं। 504 नोड आते ही हम फिर D2 ऑफ करेंगे और चाबी को निकाल लेंगे। D2 ऑफ करने पर सेल्फ होल्ड मोड में चला जाएगा यानी कि 10 मिनट्स के अंदर आपको कैब को एनर्जाइज करना है, लोको को एनर्जाइज कर लेना है या कैब चेंज करने का भी 10 मिनट्स टाइम रहता है एमयू लोको में। 10 मिनट के पहले अगर नहीं करते हैं दूसरे लोको को एनर्जाइज तो पीछे वाला लोको जो आप ऑलरेडी सी ऑन किए हैं सेल्फ होल्ड मोड में है वो भी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाएगा, जिससे कि पीछे का लोको रेज नहीं होगा। फिर अब जाएंगे ड्राइविंग कैब यानी कि मास्टर लोको में। मास्टर लोको यानी कि लीडिंग कैब में जाने पर, ड्राइविंग कैब में जाने पर फर्स्ट हम 110 एंड 112.1 ब्रेकर को जो कि SB पैनल 2 में है उसको ऑन करेंगे। इसके बाद हम न्यूमेटिक पैनल में जाकर के 136 कॉक को ओपन होना सुनिश्चित करेंगे और साथ में ही 70 और 74 कॉक भी ओपन होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित कर लेंगे। इसके बाद हम A9 हैंडल को रन पोजीशन में करेंगे और SA9 को अप्लाई करेंगे यदि E70 ब्रेक सिस्टम होगा तो, और वहीं CCB2 ब्रेक सिस्टम होगा तो फर्स्ट मोड स्विच को लीड पोजीशन में करेंगे और A9 को फुल सर्विस में करेंगे और SA9 अप्लाई करेंगे। इतना कुछ सेटअप यानी कि इंश्योर कर लेने के बाद हम BL की को इंसर्ट करेंगे ऑफ पोजीशन में एंड टर्न करेंगे D पोजीशन में यानी कि ड्राइविंग मोड में। ऐसा भी 10 मिनट्स के अंदर कर लेना है, नहीं तो पीछे लोको का सी ऑफ हो जाएगा। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होने पर पीछे का पेंटोरेज नहीं होगा और पीछे का VCB भी क्लोज नहीं होगा। BL की को ऑफ से D करने में फिर 20 सेकंड तक सेल्फ टेस्ट चलेगा। इसके बाद कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हो जाएगा। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होते ही
मास्टर लोको का लोको नंबर एंड स्लैब लोको का लोको नंबर आपके डिस्प्ले में दिखाई देगा। इफ़ यदि रियर लोको का नंबर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि पीछे का लोको एनर्जाइज नहीं होगा, यानी कि पीछे का पेंटो भी रेज नहीं होगा और बीसीबी क्लोज नहीं होगा। इसके बाद हम डिस्प्ले को सिमुलेशन मोड में सेलेक्ट कर लेंगे। सिमुलेशन मोड में सेलेक्ट करने के लिए 3-2-3 को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम नोड इन्फॉर्मेशन द्वारा लोको को एनर्जाइज करेंगे। यदि 504 नोड आया तो हम पेंटो को रेज करेंगे, ZPT स्विच को दबाएंगे जिससे कि पेंटो रेज हो जाएगा दोनों लोको का। उसके बाद 550 नोड आएगा तो VCB को क्लोज करेंगे। आगे का VCB क्लोज होने के 0.5 सेकंड बाद पीछे का VCB भी क्लोज हो जाएगा। इसके बाद 570 नोड आएगा जिसमें कि हम रिवर्सर को फॉरवर्ड या रिवर्स करेंगे। इसके बाद 590 नोड आएगा जिसमें कि हम थ्रोटल को ऑपरेट करेंगे, जिसमें कि हम KN देख सकते हैं, आगे और पीछे दोनों का डिस्प्ले में मालूम चलेगा। और जब लोको मूव होगा तो 596 नोड आता है, लेकिन लोको मूव करने के पहले हम फर्स्ट ब्रेक पावर टेस्ट कर लेंगे। VCB क्लोज होते ही हम BLCP को ऑटो में होना भी सुनिश्चित कर लेंगे, जिससे कि MR प्रेशर बिल्डअप होगा और BP 5 kg होगा और BC प्रेशर 3.5 kg होना भी सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार हम मल्टी MU लोको थ्री फेज लोको को एनर्जाइज करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये जानकारी कैसे लगी और आगे आप कौन से टॉपिक पे वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं ये भी अवश्य बताएं। और आपको लोको एनर्जाइज करते समय किसी भी प्रकार का कभी कोई प्रॉब्लम आया हो वो भी अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। यदि आप अपने पर्सनल डिमांडेड वीडियो या अपना पर्सनल डाउट क्लियर करना और हमसे बात करना एवं क्विक रिप्लाई चाहते हैं, तो हमारे रेलवे फैमिली मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए।